नाउ कितनी बड़ी समस्या है ये, वी ऑल नो कि दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज में नाउ दिस इज द नंबर वन किलर। इंडिया में भी ये धीरे धीरे करके नंबर वन की पोजीशन हासिल कर लिया है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे फॉर लास्ट 20 30 इयर्स वी आर सीइंग अ डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज, वहां पे कम हो रही है बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि इस डिजीज को हम लोग प्रिवेंशन द्वारा कम कर सकते हैं, दे आर अप्लाइंग इट। हम लोग अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अभी भी वही है कि ये खाएंगे तो मतलब जैसे होता ना कि जैसे अब क्या डोमिनोज पिज्जा और पिज्जा हट इंडिया में ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पे उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, वहां पे लाइफ स्टाइल है, वहां लोगों को पता है कि 2 घंटे हमको जॉगिंग के लिए जाना है, यहाँ नहीं, यहाँ सुबह सो फिर सीधे काम बिजनेस पर जाइए, वहां पे शाम तक 9 बजे फिर खा लिए, घर जाके सो जाइए, नेक्स्ट डे फिर सेम स्टाइल, बच्चों को एक दिन हफ्ते में गए पिज्जा हट या कहीं भी बर्गर मंगा लिया, नहीं तो समोसे खा रहे, दिस इज आवर लाइफ स्टाइल। बट द अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज दे हैव चेंज देयर लाइफ स्टाइल, दैट्स व्हाई देयर इज सस्टेन्ड डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज फॉर लास्ट 20-30 इयर्स एंड नाउ वी आर फेसिंग एन अलार्मिंग इंक्रीज इन डेवलपमेंट। अभी इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जो एशियन कंट्रीज है सबके हालात ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। नाउ अभी ये कहने वाली बात है कि हार्ट डिजीज हम में हो सकती है कि नहीं, ये वाली बात आती है, तो हम में होने के चांस ज्यादा है बिकॉज वी आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, हम लोगों के जीन की स्ट्रक्चर ऐसी है कि हम लोग अमेरिकन की तुलना में थोड़े हम लोगों में रिस्क ज्यादा है हार्ट डिजीज होने का, एंड बिकॉज वी आर नॉट प्रॉपरली हैंडलिंग अवर फैट्स एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम बिकॉज वी आर हैविंग हायर चांसेस और हायर इंसिडेंसेस ऑफ डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये है। साथ में जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल पिछले 25-30 साल में चेंज हुई है एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन वी आर सीइंग अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द दिस इंसिडेंस और वी कैन से प्रीवेलेंस ऑफ दिस हार्ट डिजीज। Now what increases risk actually? There are many factors which are associated with increased risk. Like if you are aged person, definitely you are at high risk for heart disease. But this age, sex, and if you are having family history of heart disease, you can't help it out. क्योंकि वो तो ऊपर से decide हो गया कि अगर आपके पिताजी को heart disease थी, you are at higher risk of having heart disease. But उस चीज को आप change तो नहीं कर सकते। लेकिन देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन बी चेंज, लाइक योर इफ यू आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यू कैन कंट्रोल इट, यू आर हैविंग हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग और टोबैको अब्यूज यू कैन चेंज इट, यू कैन कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, यू कैन मैनेज डायबिटीज, ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल्ड, एल्कोहल इनटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी मैनेज, बट योर एडवांस एज, यू आर बॉर्न इन अ सर्टेन रेस, you are having family history of heart disease, that you can't help much in this. So ek risk factor hai which we call cholesterol. Sab logon ko aam bhasha mein log sunte hai bhaiya unka cholesterol zyada tha unko heart disease ho gayi, inka cholesterol hai. Cholesterol ek bada common shabd hai jo hum log aksar sunte hain ki cholesterol hai, but cholesterol ke bare mein bata de, cholesterol jitna nuksandayak hai sharir ko uski zarurat bhi hai. There are many hormones जिसके लिए हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करता है। अब जब ये जरूरत से ज्यादा आपके कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होता है, then it gets deposited in your arteries and it causes blockages. And अगर 40-50% तक का ब्लॉकेज है, it is not going to cause any symptom, but if सडनली आपका ब्लॉकेजेस अब 70-80 or 90 बढ़ जाता है, इट कैन कॉज हार्ट अटैक। तो कई बार होता है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, देयर वोंट बी एनी सिम्टम्स अंटिल अनलेस यू गेट हार्ट अटैक। तो कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। 65% जो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में होता है वो आपका शरीर खुद ही बनाता है, और 35% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आप खाने से लेते हैं, इट कम्स फ्रॉम ऑल द फूड जो भी होता है। तो कई बार कहते हैं साहब हमारा तो कोलेस्ट्रॉल जो है, कई बार होता है नॉर्मल था फिर भी अटैक हो गया, या हमारा नहीं होता, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि बॉडी में कई तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, नॉट ऑल कोलेस्ट्रॉल आर बैड एक्चुअली। तो देर आर गुड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, देर आर बैड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो।
इसीलिए कोलेस्ट्रॉल ना करा के हम लोग एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं जिसमें सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। देयर इज बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको हम लोग वी कॉल इट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड द गुड कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज स्लाइटली हाई इन वुमेन्स एंड इट इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज। इसीलिए जो लेडीज होती हैं अप टू सर्टेन एज दे आर मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट अटैक कंपेयर टू मेल। तो लेडीज थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स। उसके बाद देखेंगे 40 इयर्स के बाद मेल फीमेल के हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है एंड दिस इज ऑल बिकॉज दे आर हैविंग बेटर गुड कोलेस्ट्रॉल एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। क्योंकि जो लेडीज के हार्मोन्स अलग होते हैं जेंट्स के हार्मोन अलग होते हैं। तो देर आर गुड कोलेस्ट्रॉल देर आर बैड कोलेस्ट्रॉल। नाउ अगेन अनदर रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी। इफ यू आर ओबीस इफ यू आर हैविंग ओवरवेट देर आर 2 to 6 times हायर चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज। ठीक है, तो अगर आप पे ओबेसिटी है तो डेफिनेटली देर आर हायर चांसेस दैट यू माइट डेवलप इन हार्ट डिजीज और यू मस्ट बी हैविंग यू मे बी हैविंग सम हार्ट डिजीज। And there are two kind of obesity and which one is beer saved obesity। जैसे जो इंडिया में सबसे कॉमन है कि आपका शरीर लिम्स तो दुबले पतले हैं लेकिन आपका पेट सिर्फ निकला हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप की ओबेसिटी जो होती है ये सबसे नुकसानदायक होती है। एक दूसरी ओबेसिटी होती है जहाँ के थाइज में आर्म्स में सब तरफ फैट है उसमें रिस्क होता तो जरूर है लेकिन वो कम होता है। तो इंडिया में जो ओबेसिटी पाई जाती है वो खाली पेट निकला हुआ है और सारा आपका विसरल फैट वहां पे जमा है। दिस इज मोर वी कहते हैं रिस्क इसमें ज्यादा है। अदर रिस्क फैक्टर व्हिच इज वेरी कॉमन नाउअडेज इज फिजिकल इनएक्टिविटी। डेली हम लोग डिसाइड करते हैं, इतनी अवेयरनेस भी है, न्यूज़पेपर में भी निकलता है, सब लोग जानते हैं कि वी शुड बी फिजिकली एक्टिव, लेकिन चलो अच्छा अगले महीने शुरू करेंगे नहीं तो कल से शुरू करेंगे, अच्छा अभी क्या है तो शुरू कर लिया जाएगा। तो इस चक्कर में हमेशा आप फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। तो जब बेटर है जब आपके दिमाग में ध्यान आए कि नहीं अब आपको एक्सरसाइज करनी है तो यू स्टार्ट अभी से कर लो, कल के लिए देखने की जरूरत ही नहीं। जब मौका मिले तो जस्ट गेट इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। नाउ अनदर रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। स्मोकिंग कई फॉर्म में, स्मोकिंग का मतलब है टोबैको से। वी ऑल नो दैट टोबैको इज हार्मफुल इन एनी फॉर्म। अब बहुत लोग स्मोकिंग से करते हैं लेकिन इंडिया में स्मोकिंग से ज्यादा जो है मसाला और सुरती और कई तरह के फॉर्म में लोग टोबैको यूज करते हैं। इन एनी फॉर्म टोबैको इज ऑलवेज हार्मफुल बिकॉज इट इज गोइंग टू रेज योर ब्लड प्रेशर, इट इज गोइंग टू डिक्रीज योर गुड कोलेस्ट्रॉल, इट डैमेजेज योर आर्टरीज एंड ब्लड सेल। तो सिर्फ आपके हार्ट को ही नहीं नुकसान पहुंचाता, दे आर मोर देन 200 केमिकल्स विच आर रियली पॉइजनस एंड नॉट ओनली गोइंग टू अफेक्ट योर हार्ट बट ऑल्सो योर लंग्स ब्रेन एवरी आर्गन इज अफेक्टेड बाई दिस टोबैको। तो इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर स्मोकिंग द सिगरेट यू आर मिस्टेकन बिकॉज सिगरेट इज स्मोकिंग यू। नाउ अगेन अल्कोहल कंजम्पशन देयर इज सम मिथ कि इन स्मॉल अमाउंट्स इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, पार्शियली इट इज ट्रू बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इन ए लार्ज अमाउंट इज गोइंग टू रेज योर ब्लड प्रेशर, इट इज एडिंग फैट टू योर बॉडी एंड इफ यू रेज योर ड्रिंक्स मीन्स 3 or 4 drinks per day you are taking, definitely you are going to have someday some sort of liver disease or this thing, this risk is always there. Another important risk factor is diabetes. If you are having diabetes, 2 or 3 times higher risk of heart attack or stroke is there. Means if you are diabetic, you are more likely to die of a heart attack. In fact, जो data हमारे पास है, अगर आप diabetic जितने होते हैं, 80% डायबिटिक लोग हार्ट डिजीज से ही उनकी डेथ होती है। 80% यानी अगर 10 आपके डायबिटीज पेशेंट हैं तो 10 में 8 की जो मृत्यु होगी वो हार्ट अटैक की वजह से होगी, ऐसा डाटा कहता है जो हमारे पास रिसर्च पब्लिकेशन है। ठीक है, तो रिस्क ऑफ सडन डेथ फ्रॉम ए हार्ट अटैक फॉर ए डायबिटिक इज द सेम एज दैट ऑफ समवन हु हैज ऑलरेडी हैव एन हार्ट अटैक। यानी किसी को पहले हार्ट अटैक हो चुका है और किसी को डायबिटीज है, रिस्क ऑफ डेथ दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है। तो डायबिटीज इज एन इंपॉर्टेंट।
तो अभी ये होता है कि साहब कितना हमारा ब्लड प्रेशर हो, कितना शुगर लेवल हो, कितना कोलेस्ट्रॉल हो, इसके ऊपर हमें रिस्क रहेगा, इसके नीचे रहेंगे तो हमारे पास रिस्क नहीं। तो देयर इज नो क्लियर कट लाइन कि कोलेस्ट्रॉल 250 हो गया तब रिस्क है, कोलेस्ट्रॉल 200 है, तो देयर इज एक कंटिन्यूम, देयर इज नो क्लियर कट लाइन एंड दिस रिस्क इज मल्टीप्लिकेटिव। अगर आप एक रिस्क फैक्टर है तो है, अगर आपके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं तो ऑल रिस्क फैक्टर ऑफन क्लस्टर एंड चांसेस और इवेंट्स आर मोर हाई इफ यू आर हैविंग मल्टीपल रिस्क फैक्टर। अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ज्यादा अगर रिस्क है तो आपका चांसेस हार्ट अटैक के ज्यादा है। एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑलवेज कम इन बाय अ डोर दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन फॉर देम। अब आती है कि क्या करना चाहिए कि हार्ट, हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी आप लोग कार लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, कार के लिए आप हमेशा चाहते हैं कि बेस्ट मैकेनिक के पास जाएं, मोबाइल भी आप लेते हैं तो उसको बढ़िया से प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि उस पर कवर लगवा लेते हैं, स्क्रैच गार्ड लगा लेते हैं, लेकिन शरीर के लिए कभी ऐसा लोग सोचते नहीं, उन्हें लगता है कि चलो जब तक ठीक चल रहा है चल रहा है, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो आप अपने कार की केयर और मोबाइल फोन की केयर अपने शरीर से ज्यादा कर, मेजॉरिटी में ऐसा देखने में आता है, ठीक है, ये एकदम फैक्ट बात है कि पता चला चलो इसका इंश्योरेंस करा लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। तो और जब अपने शरीर की बात आती है तो आप कभी एक्सपर्ट या कोई बहुत इसके पास ना जाके आप कहते हैं क्या भैया कहाँ हार्ट चेक करा लें या क्या करा लें, कहीं पता चला कहीं पार्टी में मिले तो वहां पूछ लिया। Always seek an opinion of an expert or experienced person. ऐसा नहीं कि कहीं जा करके कि भैया चलो आज जो है वहाँ किसी से पूछ लिया, अच्छा हमारे मौसा तो ऐसा बोल रहे थे जाके उन्हीं से पूछ लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए हमेशा, प्रिवेंटिव चेकअप हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। जब हार्ट अटैक आए तब आप टेस्ट कराएंगे, दैट विल बी कॉस्टलियर ऑल्सो, इससे अच्छा है कि बेटर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, ये तो सभी लोग रियलाइज करेंगे। तो नाउ कैसे प्रिवेंट कैसे किया जाए कि हार्ट डिजीज हो ही ना, तो रूल नंबर वन, सबसे पहले जो आप खाते हैं एक बार उसको देखिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्योंकि फूड का सीधा रिलेशन होता है हार्ट डिजीज से या हार्ट से या जो जो भी किसी भी चीज के लिए। कहा भी जाता है कि जो आप खाते हैं, जैसा आप खाते हैं वैसी आपकी सोच रहती है, वैसा आपका शरीर होता है, ठीक है। तो हार्ट के लिए जो हेल्दी फूड है, ईट ए वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। जितना ज्यादा आपके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा। Eat colored vegetables and fruits. Eat a variety of grain products. एक तरह के खाने की जगह कई तरह के, जैसे जौ है, बार्ली है, चना है, सत्तू है, ये सारी चीजें हैं, variety of लीजिए। Choose non-fat और low fat product. Use less fat meats, जैसे chicken हो गया, fish हो गया, और fat free milk, like जैसे होता है ना मलाई वाले दूध की जगह better है कि toned milk लीजिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है, फैट पोर्शन खाली हटा लिया जाता है। तो सारी चीजें जरूरी हैं आपको, लेकिन एक बार खाने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या खा रहे हैं। जो भी चीजें कैलोरी में सिर्फ हाई है, न्यूट्रिएंट्स में नहीं, जो चीजें कैलोरी में हाई है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जंक फूड हो गया, कैंडी है, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, आजकल तो पैकेट जो आते हैं मार्केट में उस पर लिखा भी होता है उस पर ट्रांस फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, नमक की मात्रा कम कर लेनी चाहिए खाने में, eat less than 6 grams of salt per day, and drinks should be always curtailed, it should never be more than 1 or 2 alcoholic drinks।